राज्य सरकार ने पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों को रोके जाने का मामला पंजाब सरकार से उठाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि पंजाब सरकार के मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ऊना व मंडी में पुलिस ने प्रतिबंधित झंडों वाली पंजाब की कुछ गाड़ियों के चालान काटे थे और उसके विरोध में पंजाब में भी हिमाचल की गाड़ियों को रोका गया। इस तरह की वो जानकारी हमको प्राप्त हुई और उस पर हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ बातचीत की है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत बोला था, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ बातचीत हुई है और आगे से इस प्रकार की घटना नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट जिस प्रकार से वो सारी चीज़ों को वहाँ पर वो कर रहे थे और उस पर मैं ज़्यादा अभी उचित नहीं बोलना समझ रहा हूँ। हमने सारी डिटेल्स उसकी मांगी है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस वजह से हुई थी और ऐसी करने की वजह क्या बनी इतनी ज़्यादा। तो ऐसे में क्योंकि वहाँ पंजाब के जो टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आए थे कुछ झंडे लगा करके अपनी गाड़ी में घूम रहे थे और जिसमें यह पाया गया है कि वो झंडे जो लगाए गए, निशान साहब के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन जिस प्रकार से उसमें कुछ और चीज़ों का उसमें जिक्र हुआ है वो चिंता का विषय है और उन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। भिंडरा वाले के चित्र होना और उसके साथ में कुछ और चीज़ों का भी जिक्र होना उसमें, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये सारे मामले को पंजाब सरकार के साथ जिस तरह पर उठाने की ज़रूरत थी हमने उठाया है।